दोस्तों मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हमने एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट किया था, आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के लिए। अब देखिए उसमें जो टॉपिक का नेम है वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन से इसके सॉल्यूशन निकालने। यदि मैं आपको एक बात बोलता हूं दोस्तों, क्या कि भाई इसके सॉल्यूशन कितने निकलेंगे, भाई 1, 2, 3, 4 कितने, तो कितने सॉल्यूशन होंगे दोस्तों, 2 सॉल्यूशंस। क्यों, क्योंकि देखिए जो इसका वो होता है ax2 + bx + c = 0, तो यहां पे कितने सॉल्यूशन आएंगे, जितनी हमारी क्या होती है बच्चों पावर होती है, तो पावर कितनी है 2, तो इसके सॉल्यूशन कितने निकलेंगे 2। तो देखिए अब आपको फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने है। अब देखिए जो फैक्टराइजेशन मेथड किससे निकालते हैं, हमने देखा था सेकंड चैप्टर में पॉलीनोमियल में पढ़ा था, कौन सा, मिडल टर्म स्प्लिट मेथड, ठीक है। अब देखिए वहां से हमने क्वेश्चंस को सोल्व किया था, वहां पे हम क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है उसके सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, तो यहां पे भी हमको क्या निकालने हैं, इसके सॉल्यूशंस निकालने, ठीक है। तो देखिए हम एक्सरसाइज 4.2 का जो फर्स्ट वन क्वेश्चन है उसको हम आज स्टार्ट करेंगे। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट वन पार्ट, कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब देखिए क्या है, अब यहां पे मैं लिखता हूं फर्स्ट वन क्वेश्चन का फर्स्ट वन पार्ट, x²-3x - 10 = 0। अब देखिए यहां पे मैं आपको बताता हूं सॉल्यूशन क्या है, कितने सॉल्यूशन निकलेंगे बच्चों, 2 सॉल्यूशन। अब देखिए यहां पे सॉल्यूशन का मतलब क्या है, देखिए ये क्या है, हमारी इक्वेशन है, देखिए कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मींस इसका मतलब क्या है, यहां पे हम x की वैल्यू क्या पुट करें कि वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, क्योंकि देखिए LHS और RHS है बच्चों। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमको x की वैल्यू क्या पुट करनी है जिससे क्या आ जाए वैल्यू 0। अभी हम यहां पे देखें भाई 1 पुट करें, 2 करें, 3 करें, कितना करें, ठीक है। अब वो चीज हम किससे करेंगे, सॉर्ट मेथड से करेंगे, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल में यहां पे बताया गया है, क्या है उसने बोला है 2x²-3x + 1 = 0। अब देखिए यहां पे उसने एक चीज क्या बताई गई है कि इसके आपको क्या निकालना, फैक्टराइजेशन से इसके रूट्स निकालने या सॉल्यूशंस निकालने। अब देखिए क्या है, यहां पे उसने बताया है कि यहां पे हम यदि x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, देखेंगे पुट करके 1²-3 + 1 = 0, 2-3 + 1 = 0, मीन्स 3-3 = 0, 0 = 0। तो यहां पे हमने क्या देखा बच्चों, LHS लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड के इक्वल। इसका मतलब क्या है, x की जो वैल्यू 1 है वो क्या है, इसका एक सॉल्यूशन है या वो इसका एक रूट है। ऐसे हमको क्या करना है, इसके निकालने हैं। अब देखिए यहां पे हम 1 पुट करें या 2 पुट करें, कितना करें, यहां तो उसने बता दिया। अब मान लो 2 सॉल्यूशन हो सकता है, जो नेक्स्ट मेथड है वो किससे निकले, जो नेक्स्ट सॉल्यूशन है वो कौन से नंबर पे निकले, तो वो हम किससे करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से। देखिए हम इसको करते हैं, अब यहां पे हम क्या करते थे, जब हम मिडल टर्म स्प्लिट मेथड यूज करते थे तो वहां पे हमको क्या करना होता था बच्चों, प्रोडक्ट सम होता था और एक प्रोडक्ट होता था। सम कितना होता था, सम क्या था, बीच वाली टर्म कितनी है, -3x, और जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या होता था बच्चों, लास्ट वन और फर्स्ट वन टर्म को क्या करते थे, मल्टीप्लाई करके लिखते थे, मींस -10 × x², तो क्या होना चाहिए, -10 × x², क्या आना चाहिए उसका, क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट। अब हमको क्या करना है, किससे निकालना है बच्चों, फैक्टराइजेशन से। हम फैक्टराइजेशन मेथड किसका करेंगे, प्रोडक्ट का, तो 10 के फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या हुआ 2 और 5, 5 × 1। देखिए 10 के क्या निकले, 2 और 5, मतलब आपको कहना है यदि हम 2 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 10, और यदि हम 5 में से 2 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 3। तो कहने का मतलब यहां लिखेंगे x², ठीक है, यहां पे हम लिख देंगे 2, यहां पे देखिए हम लिख देंगे 5, और यहां पे लिख देंगे -10 = 0। यह मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड में क्या देखते थे, यहां पे हम x लिखते थे, यहां पे x लिखते थे, ठीक है। हाँ भाई 5 × 2 = 10 होता है, बिल्कुल कंफर्म है। अब देखिए इसका क्या है, -3 लेके आना है, तो -3 कब होगा, जब ये माइनस का होगा, ये किसका होगा, प्लस का होगा, ध्यान से सुनेंगे। देखिए इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करते हैं, क्या 2x को और -5x को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा 10x² किसका, माइनस का। बट जब हम -5x और 2x को ऐड करते हैं तो क्या आएगा, -3x। तो हमने देखा सम भी इतना ही और प्रोडक्ट भी इतना है, तो हम इसको क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे बच्चों।
कैसे? अब देखिए इन में से उसके बाद हम क्या करते थे, इन दोनों में से कॉमन लेते थे। क्या कॉमन देखा हमने? देखा भाई x कॉमन आ गया, यहां क्या बचा x प्लस टू। अब देखिए हमको क्या करना था, यहां पे भी हमको x माइनस टू ही लेके आना होता है बच्चों। अब क्या करेंगे, क्या कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेंगे। किस चीज का लेंगे, प्लस का लेंगे या माइनस का लेंगे, वो चीज हम देखेंगे। अब यहां पे हमने देखा माइनस का यदि हम कॉमन लेते हैं तो यह क्या आ गया, ये साइन किस चीज का आ जाएगा, पॉजिटिव का, क्योंकि x प्लस टू यहां पर भी होना चाहिए और x प्लस टू यहां पर भी होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, x प्लस टू दोबारा कॉमन ले लेंगे और x माइनस फाइव इक्वल जीरो। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों x प्लस टू इक्वल जीरो और x माइनस फाइव इक्वल जीरो। तो यहां से हमने देखा x की वैल्यू कितनी आई, माइनस टू, और x की वैल्यू कितनी आई, माइनस फाइव। तो यहां से हम कह सकते हैं बच्चों माइनस टू एंड माइनस फाइव आर द रूट्स ऑफ, किसके रूट्स है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टेन इक्वल जीरो। तो हमको यही तो निकालना था, रूट्स निकालने थे, रूट्स हमने क्या कर दिया, निकाल दिए। अब देखिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पे क्रॉस चेक करेंगे। क्रॉस चेक कैसे, क्रॉस चेक कि भाई यदि हम एक्स की वैल्यू माइनस टू आई है, यदि हम यहां पे माइनस टू पुट कर दे, क्या ये जीरो आता है या नहीं आता है। अब देखिए एग्जाम में तो आपको इतना ही करना है, बट हां भाई हमको क्रॉस चेक करें, क्या हमने ये चीज जो निकाल ली है क्या वो सही है। अब देखिए यहां पे एक्स की वैल्यू प्लस आएगी बच्चों, क्योंकि देखिए एक्स माइनस फाइव इक्वल जीरो है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। अब यहां पर हम देखेंगे क्रॉस चेक करेंगे, क्या क्रॉस चेक करेंगे कि ये जीरो आता है, एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, माइनस टू स्क्वेयर माइनस थ्री माइनस टू और ये माइनस टेन इक्वल जीरो। यदि इसका जीरो आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जीरो आ जाती है, इट मींस ये हमारा क्या, इसका सॉल्यूशन है। तो हमने देखा टू का स्क्वायर फोर होता है, माइनस माइनस प्लस सिक्स माइनस टेन, अब देखिए क्या है, इक्वल जीरो। भाई माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, साइन किसका आता, प्लस का ही तो आता है, यहां पे मिस्टेक नहीं करेंगे बच्चों। अब देखा टेन माइनस टेन इक्वल जीरो, तो जीरो इक्वल जीरो। तो यहां से हम कह सकते हैं हाँ हमने निकालना है, तो ये क्या है, माइनस टू जो हमारा रूट निकला वो क्या निकला है बच्चों, परफेक्ट निकला है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। हम देखिए फर्स्ट वन क्वेश्चन का सेकेंड वन पार्ट क्या बोलता है देखेंगे। उसने बोला है क्या कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस सिक्स इक्वल जीरो। अब भाई इसके भी हमको क्या निकालने, रूट्स निकालने, वही मेथड करेंगे। कौन सा मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। तो क्या करेंगे, सम कितना आएगा बच्चों, सम आएगा भाई हमारा प्लस x। प्लस x का मतलब देखिए प्लस हम आगे लिखते नहीं है, 1x आ जाएगा। x का क्या है कोफिशियंट कितना बच्चों, 1। और देखिए प्रोडक्ट कितना आएगा बच्चों, प्रोडक्ट हमने देखा लास्ट वन और फर्स्ट वन के मल्टीप्लाई, मीन्स सिक्स इंटू कितना, माइनस सिक्स इंटू टू एक्स स्क्वायर, मीन्स माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब किससे करना बच्चों, फैक्टराइजेशन से। हम देखें फैक्टराइजेशन करेंगे ऐसे, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू थ्री जा और थ्री वन जा, तो कितने हैं, टू इंटू टू इंटू थ्री। ओके, अब क्या करना, प्रोडक्ट कितना, ट्वेल्व। प्रोडक्ट देखेंगे, टू टू जा फोर थ्री जा ट्वेल्व, तो आ गया भाई ये तो आएगा ही आएगा, कंफर्म है। अब क्या करना है, अब हमको यहां पे जो सम है ना बच्चों वो वन लेके आना है। कैसे आएगा, कैसे देखेंगे, थ्री इंटू टू या टू इंटू टू, हाँ भाई ये आ गया। देखो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके देखे, थ्री इंटू टू उसमें से थ्री टू फाइव में से टू नहीं आया। अब हमने देखा टू इंटू टू फोर, फोर में से हमने थ्री माइनस कर दिया तो वन आ गया ना बच्चों। तो हमने देखा क्या बने इसके, टू एक्स स्क्वायर, एक हमारा 4x बना और एक हमारा 3x बना, एक माइनस सिक्स इक्वल जीरो। अब यहां पे हम देखेंगे प्लस और माइनस का सिंबल कौन सा है, देखेंगे सम करेंगे तो क्या आना चाहिए भाई, पॉजिटिव। प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, नेगेटिव। तो हमने देखा पॉजिटिव कैसे आएगा, इसको 4x कर दे, इसको माइनस 3x कर दे, बिकॉज 4x माइनस 3x कितना आएगा, x, 1x जिसको हम बोलते हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। अब क्या कॉमन है, यहां से यहां भी टू है, यहां पे तो टू है, तो टू कॉमन बच्चों, एक्स स्क्वायर और एक्स में से क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन। तो यहां से हमने देखा है क्या बचा, एक्स, और यहां पर क्या बचा, एक्स से एक्स कैंसिल, ये कितना बचा, टू। तो यहां पे भी क्या आएगा, x प्लस टू, तो भाई आना ही हमारा। अब यहां पे हम लाने के लिए क्या करेंगे, यदि हम इसमें से 3 कॉमन ले ले
तो भाई माइनस थ्री, माइनस का थ्री कॉमन लेंगे, कैसे लेंगे, माइनस थ्री लेते यहां पे पॉजिटिव एक्स, माइनस थ्री लेते यहां पे प्लस टू। अब हम क्या करेंगे, एक्स प्लस टू दोबारा कॉमन लेंगे और ये क्या हो जाएगा, टू एक्स माइनस थ्री इक्वल जीरो। अब क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, जीरो के इक्वल। इसका मतलब क्या है, या तो ये सोल्यूशन या ये सोल्यूशन, दोनों ही तो सोल्यूशन होंगे, तो लिखेंगे एक्स प्लस टू इक्वल जीरो और 2x माइनस थ्री इक्वल जीरो। तो यहां से हमने देखा x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस टू, और यहां से कितनी आई, 2x माइनस है तो यहां पॉजिटिव, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 अपॉन 2। तो यहां पे हम लिखेंगे हेंस माइनस टू एंड 3 अपॉन 2 आर द रूट्स ऑफ कौन से, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल जीरो। समझ में आ गया, यहां पे आपको कॉपी पेस्ट भी करना जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया आपको, ठीक है, कर लेंगे। अब देखिए इसका थर्ड वन पार्ट क्या है, हम वो देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए उसने क्या चेंज किया है, चेंज कुछ नहीं, फैक्टराइजेशन ही तो चेंज किया, हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे भाई। क्या है थर्ड वन पार्ट क्या है इसका, देखेंगे, बहुत इजी है बट करके देखेंगे। रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव रूट टू इक्वल जीरो, भाई इसको सोल्व करना है, क्या करना है, इसके रूट्स निकालने। देखिए सबसे पहले मैं क्या बोलता हूं, क्वेश्चन एनालाइज करेंगे भाई, हमने एनालाइज किया भाई, रूट की चीजें कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे सम कितना आ जाएगा, सम आएगा भाई 7x, साइन मैट्रिक्स करते हैं बच्चों, साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखना, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखना है, हाँ भाई पॉजिटिव है। अब प्रोडक्ट की बात आती है, मतलब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, मींस 5 रूट 2 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, रूट 2 के साथ, तो हम देखेंगे इसका क्या आंसर आता है। देखिए 5 है नहीं, 5 से 5 एज इट इज 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है बच्चों, 2, तो 5 इंटू 2 कितना हुआ 10। कैसे, देखिए हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी रूट ए इंटू रूट ए, उसका आंसर क्या आता है बच्चों, ए, ठीक है, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी, हाँ भाई सेकंड चैप्टर में पॉलिनोमियल में हमने अच्छे से इसको अच्छे से इसको पढ़ा था, नाइन्थ क्लास में भी हमने लॉज एंड एक्सपोनेंट्स में इसको अच्छे से रीड किया था। हम देखिए यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे भाई, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड से हमने ये देखा 2 से किया 2 5 जा। अब देखिए क्या है, सम कितना आना चाहिए 7, 7 कैसे आ सकता है, 5 और 2 दोनों को ऐड कर देंगे तो 7 आ जाएगा, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लिखेंगे रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस, क्या लिखेंगे 2x प्लस यहां पे 5x प्लस 5 रूट 2 इक्वल जीरो। समझ में आया बच्चों, क्या क्या कुछ अलग किया नहीं, क्योंकि देखिए इसके दो ही तो फैक्टर आए हैं 2 और 5, हमने देखा 2x और 5x दोनों को ऐड करके लिख दिया, 2 और 5 कितना होता है 7x, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या है, ये क्या था, यहां पे x स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पे क्या मल्टीप्लाई करके आया, हमने देखा 10x स्क्वायर, तो वो एज इट इज हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, वही काम, दोनों में से कॉमन, अब यहां से कॉमन क्या आएगा, ध्यान से देखेंगे, यहां पे रूट टू है यहां पे 2 है, क्या दोनों में से कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है, लेकिन यहां देखेंगे x कॉमन आया, तो यहां पर क्या बचा, हमने देखा रूट टू एक्स प्लस कितना बचा प्लस 2, भाई ये बच गया, ठीक है। अब हम देखेंगे अभी क्या आता, हम आगे सोल्व करेंगे इसको, x देखा तो रूट टू एक्स, एक्स कॉमन है तो प्लस 2, ओके। अब यहां पे हमने देखा 5, यहां से क्या कॉमन है, केवल 5 कॉमन है, तो यहां पे हमने देखा क्या बचा, x तो कॉमन है ही नहीं भाई यहां पे, तो हमने देखा क्या बचा, x प्लस रूट टू इक्वल जीरो। अब हमने यहां पे एक चीज देखी भाई, क्या देखी, यहां तो रूट टू एक्स प्लस 2 है और यहां पे x प्लस रूट 2, ये तो दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं पे क्या की है बच्चों, मिस्टेक की है। तो हम उसको सोल्व कैसे करेंगे, अब देखेंगे ध्यान से कैसे सोल्व करेंगे भाई, रूट 2 है और ये रूट ये केवल 5 है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, क्या रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2 इंटू रूट 2 एक्स। अभी मैं लिख के बताता हूं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट 5 इंटू रूट 5 एक्स प्लस 5 रूट 2, ये क्या आया। अब हमने क्या किया बच्चों, हमने लिखा जो 5 है ना उसको लिख दिया रूट 5 इंटू रूट 5, हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया है, मतलब रूट ए इंटू रूट ए क्या होता है ए, हमने भी क्या किया इसको ए, ये दोनों तरीकों से क्या कर दिया सेम किया है, रूट ए इंटू रूट ए दोनों की वैल्यू क्या आती है 5a तो आता है। अब हमने यहां से हमको क्या सर हमारा इसमें फायदा क्या हुआ, अब हम यहां देखेंगे रूट टू यहां पे है, रूट टू यहां पे, x यहां पे और x यहां पे है, तो हम क्या करेंगे रूट टू एक्स को कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे x आ जाएगा और यहां पे क्या आएगा प्लस का सिंबल रूट टू पहले से, ये तो क्या आ जाएगा रूट टू।
ठीक है। अब यहां पे हम एक चीज और देखेंगे कि भाई यहां पे क्या चीज को मनाएगा, यहां पे आना चाहिए x प्लस रूट टू, यही चीज आनी चाहिए ना। ओके, अब यहां पे हम देखेंगे भाई रूट फाइव है इनटू रूट, अब यहां से हम देखेंगे रूट फाइव तो कॉमन नहीं आ सकता, तो क्या कॉमन आएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे रूट फाइव कॉमन आ गया, तो भाई रूट फाइव कॉमन आते क्या हुआ, रूट फाइव इंटू रूट फाइव, सर ये फिर भी नहीं हुआ। अब हम इसमें क्या देखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस ये भी तो फाइव रूट टू है, तो इसको भी हम रूट फाइव इंटू रूट फाइव लिख सकते हैं ना बच्चों। अब हमने इसको भी लिख दिया रूट फाइव इंटू रूट फाइव इंटू रूट टू, अब रूट फाइव कॉमन आते क्या हुआ, यहां से क्या बचेगा, रूट फाइव इंटू रूट फाइव कॉमन आते एक्स बचा और यहां पे रूट टू बचा, मतलब रूट टू इंटू रूट फाइव यहां पे ये क्या आ गया, कॉमन आ गया, मतलब क्या कॉमन आया यहां पे, फाइव आया पॉजिटिव का, तो रूट टू एक्स यहां पे आ गया एक्स प्लस रूट टू और यहां पे क्या कॉमन आ गया, फाइव और एक्स प्लस रूट टू। अब देखिए इक्वल क्या है, जीरो है, इक्वल जीरो है, सर ये नहीं समझ में आया, आपको बच्चों क्या करना है, x प्लस रूट टू यहां पर आपका कॉमन आ गया, तो यहां पे भी आपको क्या करना है, x प्लस रूट टू को ही कॉमन निकालना है। तो उसके लिए हमने देखा, हमने इसको भी ब्रेक डाउन किया, हमने इसको भी ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करते हमने देखा रूट फाइव कॉमन आ जाएगा, रूट फाइव इंटू रूट फाइव, हम रूट फाइव इंटू रूट फाइव होता क्या है बच्चों, फाइव, तो कॉमन आते यहां पे क्या बचा, ये कट होके एक्स बचा और ये दोनों यहां पे कट होके क्या बचा, रूट टू बचा, तो एज इट इज हमने कर दिया। अब देखिए समझ में आया आपको नहीं, एक बार हम दोबारा करते हैं भाई, दोबारा से इसको अच्छे से देखेंगे क्या है, क्या कहना चाहता है देखेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट है, किस वे में इंपॉर्टेंट है वो यहां पर समझेंगे। देखिए अब यहां पे ये दूसरे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट कैसे, आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं इसको, हम यहां पे एक आइडेंटिटी है, क्या है, रूट ए इंटू रूट ए की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ए, ठीक है भाई। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे देखा आपने भाई सम आपका कितना आ गया 7x, ठीक है, और जो प्रोडक्ट है वो कितना आ गया, फाइव रूट टू इंटू रूट टू एक्स स्क्वेयर, मींस क्या आ गया आपने देखा 10x स्क्वेयर। अब 10 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, वो आया भाई आपका 2 और 5, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे रूट टू एक्स स्क्वेयर प्लस क्या लिखेंगे 2x, ठीक है, प्लस 5x प्लस 5 रूट टू इक्वल जीरो, ये हमने एज इट इज लिखा। अब हम एक चीज देखते हैं, सबसे पहले एक काम करेंगे, यहां से यदि हम कुछ कॉमन लेंगे, क्या है, हमने देखा भाई यहां से मैं x कॉमन लेता हूं, क्या लेता हूं मैं, x कॉमन लेता हूं, ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या बचा, रूट टू प्लस क्या बचा, टू बचा, क्योंकि देखिए x कॉमन लेते ही यहां पे रूट टू प्लस टू बचा, ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहां पे भी हमारा रूट टू प्लस रूट टू क्या आना चाहिए, रूट टू प्लस टू कॉमन आना चाहिए, बट किसी भी कंडीशन में हमारे ये वैल्यू क्या है, कॉमन नहीं आती, इसका मतलब है हमको इसमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा बच्चों, चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज कैसे करेंगे, अब हम इसको लिख कैसे सकते हैं, देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट टू एक्स स्क्वेयर प्लस रूट टू इंटू रूट टू एक्स, मैंने 2 को क्या कर दिया, 2 को हमने कन्वर्ट किस में कर दिया, रूट टू इंटू रूट टू, बात एक ही है ना बच्चों, बिल्कुल ठीक है सर। अब हमने 5 को कैसे कन्वर्ट किया, रूट फाइव इंटू रूट फाइव में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, सेम ऐसे ही 5 को क्या कन्वर्ट किया, 5 को हमने ऐसे ही कन्वर्ट कर दिया रूट फाइव इंटू रूट फाइव और रूट टू, ऐसे है इक्वल जीरो। क्या क्या यहां पे देखेंगे, सबसे पहले हमने ये चीज देखा भैया दोनों चीजें कॉमन तो आएगी नहीं किसी भी कंडीशन पे, तो कंडीशन हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे क्या, जो भी हमारा परफेक्ट नंबर है उसको हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया बच्चों, रूट की टर्म्स में, तो यहां पर हम इजिली देखेंगे यहां से कुछ ना कुछ कॉमन आएगा और यहां से कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, सबसे पहले यहां से कॉमन निकालेंगे तो क्या है रूट टू, यहां पर भी रूट टू, यहां पर भी रूट टू कॉमन आ गया, ओके। अब यहां पे क्या है x स्क्वायर है, यहां पे क्या है x, तो यहां से x भी कॉमन आ गया, तो ये क्या हुआ x, और यहां पे क्या बचा बच्चों रूट टू, यहां से कट गया प्लस कितना बचा रूट टू, आगे बात समझ में, ठीक है सर, प्लस इसका मतलब है यहां पे क्या आएगा x प्लस रूट टू तो आएगा ही आएगा कॉमन। अब वो निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखेंगे यहां पे सॉरी x है, अब इसको कॉमन निकालने के लिए क्या रूट टू यहां पे है, रूट फाइव इंटू रूट फाइव और रूट फाइव इंटू रूट फाइव तो यहां पे भी है, तो हम क्या करेंगे इसको रूट फाइव इंटू रूट फाइव कॉमन ले लेंगे, तो यहां पे क्या हो गया x हो गया, ये कट हो गया, यहां पे क्या हो गया बच्चों टू। अब यहां देखेंगे क्या है रूट टू एक्स, इसको एज इट इज लिखेंगे और यहां पे क्या हुआ रूट फाइव इंटू रूट फाइव क्या होता है बच्चों, रूट ए इंटू रूट ए क्या होता है, ए होता है, तो लिखेंगे फाइव, तो x प्लस रूट टू इक्वल जीरो, तो हमने देखा रूट टू एक्स
प्लस फाइव अगेन कॉमन और एच प्लस रूट टू इक्वल ये अगेन कॉमन। तो हम यहां निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे, क्या करेंगे, इसके जीरो के इक्वल होगा क्या कि रूट टू एक्स प्लस फाइव इक्वल क्या होगा बच्चों जीरो। देन रूट टू एक्स किसके इक्वल होगा माइनस फाइव, एक्स की वैल्यू निकालने तो माइनस फाइव अपॉन रूट टू। एक तो हमारा क्या आ गया बच्चों, ये हमारा रूट आ गया। सेकेंड वन रूट कैसे निकाल लेंगे, एक्स प्लस रूट टू इक्वल जीरो है तो एक्स प्लस रूट टू इक्वल जीरो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों माइनस रूट टू। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, दो जीरो दो हमारे रूट्स आ गए, तो हम लिखेंगे हैंस एक्स इक्वल माइनस फाइव अपॉन रूट टू एंड या और लिखेंगे माइनस रूट टू आर द रूट्स ऑफ कौन सी इक्वेशन, इस इक्वेशन पे। ये क्या है बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे इंपॉर्टेंट है आपने देखा। फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, तो आप क्या करेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, सर ये हमारा क्वेश्चन आप हमसे ये सोल्व नहीं हो रहा, मैं आपको क्या करवाऊंगा सोल्व करवाऊंगा। ओके, अब देखेंगे इसका हम फोर्थ वन पार्ट क्या है, कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, बहुत ईजी है, ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। फोर्थ वन पार्ट उसने बोला है टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एट इक्वल जीरो। ठीक है भाई, इसके निकालने हैं। अब निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, इस 8 को यदि हम यहां से खत्म कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा, हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से निकाल सकते हैं। कैसे होगा भाई, सब के नीचे क्या है 1 है, इक्वल टू में क्या है 0 है, हम क्या कर लेंगे बच्चों एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे कितना 8, तो यह क्या हो जाएगा 16x2 8 2 16 माइनस 1 से 8x प्लस 1 इक्वल 0, ये हमने कर दिया। आप देखें क्या करेंगे, 8 इस साइड जाते क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में होगा और 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है बच्चों 0। तो हमने देखा 16x2 माइनस 8x प्लस 1 इक्वल 0। हां भाई ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आ गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है, सम क्या निकलेगा लिखेंगे हम, सम कितना होगा माइनस 8x, प्रोडक्ट कितना निकलेगा बच्चों 1 की और लास्ट फर्स्ट वन टर्म से करेंगे तो 16x2। ठीक है, अब क्या करेंगे 16x2 के किससे करेंगे, फैक्टराइजेशन, ये याद जरूर रखना है बच्चों, 16 से कैसे करेंगे 28 जा 24 जा 22 जा और 21 जा, भाई ये हमारे फैक्टर आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको यह चीज देखनी है कि मल्टीप्लाई करें तो 16, सम करें तो 8, क्या करेंगे 22 जा 42 जा 8। ठीक है, 8 में से हमने 2 8 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा भाई, ये भी नहीं हुआ। अब देखेंगे 4 इंटू 2 इंटू 2 4 2 इंटू 2 4 4 में 4 ऐड कर देंगे तो 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। समझ में आया नहीं आया, देखेंगे दोबारा। हमने देखा भाई इसका सम क्या निकालना है बच्चों माइनस 8, तो हमने देखा 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू 2 4, यदि हम देखेंगे 4 और 4 क्या होते हैं 8 होते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई भी कितनी होती है 16। तो हमने देखा भाई 4 और 4 अब कैसे सोल्व करेंगे, लिखेंगे 16x2 यहां पे भी 4x लिख देंगे, यहां पे भी 4x लिख देंगे प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, अब देखेंगे मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव में आना चाहिए, और पॉजिटिव में कब आता है व्हेन, जब हमारे दोनों क्या होते हैं, दोनों साइन नेगेटिव के होते हैं। समझे नहीं, समझे बच्चों, मैं दोबारा बताऊंगा भाई क्या है। देखिए यदि हमने देखा सम तो हमारा नेगेटिव में है और प्रोडक्ट क्या है पॉजिटिव में, तो क्या कंडीशन होगी हम देखेंगे, यदि हम 4x को प्लस 4x के साथ करें तो भाई ये तो सम तो वैसे ही जीरो आ गया, प्रोडक्ट कब आएगा यदि हम माइनस 4x और माइनस 4x करें तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आ जाएगा 16x2। तो हमने देखा माइनस 4x और माइनस 4x, समझ में आया नहीं आया बच्चों, फिर भी कोई प्रॉब्लम है बच्चों क्या करोगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। अब यहां से क्या करेंगे, कुछ ना कुछ कॉमन लेंगे, यहां से देखेंगे भाई 4 कॉमन आएगा, x2 और x में से x कॉमन आएगा, तो क्या हुआ 4, ये क्या बच्चा x, यहां पे क्या आया माइनस 1। ठीक है, अब यहां पे क्या है, यहां पे कंडीशन क्या होती है बच्चों, ये चीज तो हमारा यहां पे कॉमन आ गया तो यहां पे भी कॉमन आना कंपलसरी है, तो भाई 4x माइनस 1, बट यहां पे हम देखेंगे यहां पे 4x पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव, यहां पे माइनस नेगेटिव है, 1 नेगेटिव है, यहां पे क्या है पॉजिटिव है, तो हम देखेंगे माइनस 1 कॉमन ले ले, माइनस 1 कॉमन आता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो क्या हुआ 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 इक्वल 0, भाई ये दोनों आ गए, तो हम लिखेंगे 4x
x इक्वल 1 और x की वैल्यू 1 अपॉन 4 और यहां से भी कितनी आएगी 1 अपॉन 4 तो लिखेंगे 1 अपॉन 4 कॉमा 1 अपॉन 4 आर द टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. कौन सी इक्वेशन? 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन 8 इक्वल 0. अब देखिए यहां पे दोनों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब हम आगे देखेंगे भाई रियल रूट्स क्या होंगे. आगे एक्सरसाइज जो हमारी आएंगे ना तो उसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे भाई रियल रूट्स क्या है और किस तरीके के रूट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ रूट्स क्या है. ठीक है, उसके लिए अभी आपको ये करना है. उसके बाद जब नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी हमारी उसमें हम बताएंगे आपको. ठीक है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, वैसे प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, अब भाई हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. उसने बोला है सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1. इसको हम अभी स्किप करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्यों स्किप किया है हम? पहले हम क्या करते हैं, जो इक्वेशंस हैं उसको इजीली बनाते हैं, फिर हम इसको इकट्ठा कर लेंगे भाई. ठीक है, उसने बोला फाइंड द टू नंबर. उसने बोला है कि दो नंबर आपको क्या निकालने, टू नंबर्स निकालने हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं. क्या क्वेश्चन मार्क लगा देंगे भाई टू नंबर. उसने बोला फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27. उन दोनों का जो सम है ना वो क्या है, वो हमारा 27 है. ठीक है भाई, एंड प्रोडक्ट इज 182 और जो उनका दोनों का प्रोडक्ट है ना बच्चों वो कितना है, 182 है. ठीक है, अब आपको क्या निकालना, दोनों नंबर निकालने, दोनों नंबर बताने, कौन कौन सा फर्स्ट वन नंबर और कौन सा हमारा सेकंड वन नंबर है. तो देखेंगे सम इतना है, प्रोडक्ट इतना है. अब कैसे बताएंगे भाई, कितनी पॉसिबिलिटीज है सम. एक नंबर 26, एक 1 हो सकता है, एक 25, एक 2 भी हो सकता है. दोनों का प्रोडक्ट कैसे क्या होगा पता नहीं, कौन से नंबर होंगे वो आपको क्या निकालना है, निकाल लेंगे. हम ऐसे बोल दें भाई एक 16 होगा. ठीक है, और एक कितना होगा, 11 होगा. भाई पॉसिबिलिटीज हैं, दो नंबर हो सकते हैं, इनका प्रोडक्ट इतना होता है. अब देखिए कैसे निकालने, सॉल्यूशन करके दिखाना है. ठीक है, अब देखिए क्या लिखेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर कितना है आपको पता है, नहीं पता तो हम उसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे बच्चों, एक्स मान लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो देन सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर मैं लिख देता हूं एक्स माइनस 27 या भाई 27 माइनस एक्स क्या. अब देखिए मैं बताता हूं, एक नंबर दोनों नंबर का सम कितना है, वो है 27. एक हमारा एक्स है तो दूसरा क्या होगा, ये 27 माइनस एक्स हो जाएगा ना बच्चों, तो हम लिखेंगे 27 माइनस एक्स. ये चीज समझ में नहीं आई, बताओ. देखिए क्या है, उसने ये बोला कि दो नंबर्स का सम 27 है, यदि हमने एक नंबर को एक्स मानना है तो सेकंड नंबर हम कैसे निकाल लेंगे, इसको ही वहां पे क्या ले जाएंगे, राइट हैंड साइड के इक्वल लेके जाएंगे, तो ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव. तो दूसरा नंबर आपके सामने निकल गया. ठीक है, वहां पे निकाल दिया. अब वो क्या बोलता है, इन दोनों की देखिए, फर्स्ट वन कंडीशन हमने निकाल दी, दोनों का सम है, सम से हमने क्या किया, एक नंबर और दूसरे नंबर को क्या कर दिया, निकाल दिया. ठीक है भाई, अब उसने बोला इन दोनों का प्रोडक्ट, लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज कितना है, 182. क्योंकि देखिए ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है बच्चों. अब लिखेंगे दोनों का प्रोडक्ट मतलब फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, वो उनका प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 182. मतलब क्या भाई, x इनटू 27 माइनस x, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कितनी दी आपसे, 182. हम इसको सोल्व करेंगे x को. अब देखिए यहां पे ब्रैकेट है तो आपको मल्टीप्लाई लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों, वो आपको पता है. सोल्व कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और x को दूसरे x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करते क्या आया, 27x, x को माइनस के साथ माइनस x स्क्वायर इक्वल 182. आ गया बच्चों समझ में. अब क्या करेंगे, 27x माइनस x स्क्वायर, ये पॉजिटिव है तो यहां पे 1 नेगेटिव, ऐसे आ जाएगा इक्वल 0. आ गया. बट देखिए क्या ये हम जो हमने जर्नल फॉर्म पढ़ी थी बच्चों लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 में जब हमने इंट्रोडक्शन किया था इसका, तो क्या पढ़ी थी जर्नल फॉर्म, वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0. मतलब पहले x की, फिर भाई x स्क्वायर की, पहले फिर x की, फिर हमारा कांस्टेंट. यहां तो क्या हमारा अपोजिट है, तो हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे. माइनस से मल्टीप्लाई करते ही, चलो माइनस से नहीं करते, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, माइनस x स्क्वायर प्लस 27x
-182 इक्वल जीरो। क्या किया मैंने, इस नंबर को सेकंड को फर्स्ट पे लिख दिया, फर्स्ट को सेकंड पे लिख दिया, इसको मैंने एज इट इज कर दिया। अब क्या निकालने, दोनों नंबर निकालने हैं। दोनों नंबर किससे निकाल लेंगे भाई, हम क्वेश्चन है सॉल्यूशन, टॉपिक हमारा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन से निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे देखेंगे, किस तरीके से देखेंगे भाई। यहां पे हम क्या करते थे, सम, सम कितना आना चाहिए 27 एक्स, और जो प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए माइनस, देखिए -182 ठीक है इनटू माइनस एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या आना चाहिए 182 एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे किसका हमको इसके फैक्टराइजेशन करने, किसके 182 के, देखेंगे कैसे करेंगे 182 के, 2 से 2 9 जा और 2 1 जा। ठीक है अब हम क्या करेंगे, ये किससे जाता है देखेंगे, हमने देखा 13 7 जा 91 होते हैं और 7 बन जा। ठीक है हमने फैक्टर्स देखे क्या निकले 2 13 और 7। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का जो सम है वो कितना करना है, सम करना है भाई आपको 27 सम कैसे होगा, यदि हम देखिए 2 इंटू 7 14 प्लस 13 ऐसे करेंगे, हम ऐसे करें 2 इंटू, देखिए कैसे क्या करेंगे, शुरुआत में हमने किया 13 इंटू 2 26 प्लस 7 तो ये तो भाई 27 से ज्यादा हो गया, तो हम अब हमने क्या देखा, हमने देखा 2 इंटू 7 कितना हुआ 14 प्लस 13 कितना हुआ आपका 27, मींस फर्स्ट वन 14 सेकंड वन क्या आ गया 13 आ गया। अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर यहां पे 14x लिख देंगे, यहां पे सॉरी 13x लिखेंगे, यहां पे कितना -182 इक्वल जीरो। ठीक है अब क्या करेंगे, अब किस कैसे सोल्व करेंगे भाई, पॉजिटिव आने से दोनों तो पॉजिटिव है, तो आपकी भाई दोनों पॉजिटिव है बिल्कुल है, क्योंकि देखिए सम आपका पॉजिटिव आना चाहिए, प्रोडक्ट कितना वो भी पॉजिटिव, तो यहां पे हम दोनों प्लस कर दें भाई 14x और 13x, यहां से हमने x कॉमन लिया तो क्या हुआ माइनस एक्स प्लस कितना हुआ यहां पे 14, और यहां पे हमने देखा प्लस 13 कॉमन लेते हैं तो एक्स माइनस कितना हो जाएगा। अब यहां पे एक चीज प्रॉब्लम आएगी बच्चों, क्या है आपको क्या लेना, माइनस 13 कॉमन लेना है, यहां पे क्या आ जाएगा माइनस एक्स, और ये कितना आ जाएगा 14 इक्वल जीरो। ये 14 कैसे हुआ 13 वन जा 13 कितना कितना रिमाइंडर बचा 5, 13 4 जा 52। अब यहां से हमने देखा माइनस एक्स प्लस 14 कॉमन और एक्स माइनस 13 कॉमन इक्वल जीरो, तो देखेंगे माइनस एक्स प्लस 14 इक्वल जीरो और एक्स माइनस 13 इक्वल जीरो, तो यहां से हमने देखा माइनस एक्स इक्वल माइनस 14, तो यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी आई आपकी 14। ठीक है बच्चों, यहां से कितनी आएगी x की वैल्यू 13, तो हमने देखा एक हमारा 14 निकला एक हमारा 13 निकला, तो हम यहां पे बताएंगे देन फर्स्ट नंबर, आप देखिए फर्स्ट नंबर कोई भी हो सकता है हमारा 13 भी 14 भी, उसने ये तो नहीं बताया ना भाई एक हमारा जो नंबर है वो बड़ा है एक हमारा नंबर छोटा नहीं बताया, तो हम लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर इज कितना 14, सेकंड नंबर आपको पता लग जाएगा कितना आएगा 13 आएगा, समझ में आ गया, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 182 जो उसने क्वेश्चन में दे रखा था ये। ठीक है तो हमने देखा हमने क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया, यदि इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। तो देखिए बच्चों आज हमने क्या किया है, एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 को क्या किया, कंप्लीट किया है, इसके हमने 4 पार्ट्स को कंप्लीट किया है और इसका ये हमने कंप्लीट किया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम क्या करेंगे, उसमें जितने और बाकी के क्वेश्चन है वो हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे विद एग्जांपल्स के साथ, यदि नहीं होते तो एक वीडियो और बन जाएगी आपकी। तो आपको वीडियो कैसी लगी, यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।